वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक विश्वकर्मा और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मा फ्रेंचाइजी बिजनेस के बारे में। किस प्रकार से आप अपने घर पर रहकर फार्मा का बिजनेस कर सकते हो, मंथली 50,000 से 1,00,000 रुपए या उससे भी ज्यादा, डिपेंड करता है आपकी मेहनत पर, आप कमा सकते हैं। अगर आपके पास शहर में कोई दुकान नहीं है तो आप इस बिजनेस को बहुत आसानी से घर से स्टार्ट कर सकते हैं। रही बात पूंजी निवेश की, तो अगर आपके पास 2 या 4 लाख रुपए नहीं है, आपके पास ना 20,000 रुपए भी है, तो वहां से भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे मेहनत करके अपने बिजनेस को ग्रोथ दे सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो फार्मा जो फ्रेंचाइजी बिजनेस है, इसमें भी दो कैटेगरी होती है, एलोपैथिक मेडिसिन का बिजनेस होता है और आयुर्वेदिक मेडिसिन का बिजनेस होता है। अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन का बिजनेस करना चाहते हैं तो इसके लिए सिंपल सी बात है, आपको ड्रग लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी, इसके लिए आपको होलसेल का ड्रग लाइसेंस लेना होगा। और अगर आप आयुर्वेदिक दवाइयों को सेल करना चाहते हैं फ्रेंचाइजी पे लेके, तो इसके लिए आपको ड्रग लाइसेंस की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ जीएसटी में आपको अपनी जो फर्म है वो रजिस्टर्ड करानी होगी। मार्केट में आपको नई और पुरानी बहुत सारी ऐसी कंपनी मिल जाएंगी जो अपने प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजीज देती हैं, तो वो 70 से 80% पर जो मार्जिन होता है उस पर आपको अपने प्रोडक्ट दे देते हैं सेल्स करने के लिए। अब उसमें करना क्या होगा कि उसमें जो भी आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो आपको ही बहन करने होंगे। जैसे कि अगर आप उसमें डॉक्टर से इंट्रोड्यूस कराने के लिए एमआर की रिक्वायरमेंट होगी वो आपको बहन करनी होगी, जो वहां पे अगर आप ऑफिस खोलेंगे अपना तो वो उसका जितना भी खर्चा होगा वो आपको उठाना होगा, और जितने भी सेल्समैन के खर्चे है, जो भी उसका टीएडीए बनता है वो सब आपको देना होगा। उसके बाद डॉक्टर जो आपकी मेडिसिन लेते हैं उसके ऊपर से आपको अगर डॉक्टर को कोई गिफ्ट देने हैं वो भी, या किसी केमिस्ट को गिफ्ट देने हैं, तो वो जितने भी सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो वही व्यक्ति वहन करता है जो प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी लेता है। तो ये सब आपको वहन करने हैं, और उसके बाद में सेल्स कैसे करने हैं प्रोडक्ट वो भी आप पे डिपेंड करता है। आप उनको 40% पे दे सकते हैं, 30% पे दे सकते हैं, 50% पे दे सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगता है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपनी सेल्स करनी है, आपको अपने प्रोडक्ट बेचने हैं। आप स्कीम लगा के बेचिए, आप उनके साथ कुछ ऑफर चला के बेचिए, आप परसेंटेज घटा बढ़ा के बेचिए, जिस तरीके से भी आप सेल्स कर सकते हैं ये आप पर डिपेंड करता है, ये आपका टैलेंट है कि किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो जो भी लोग बताते हैं बढ़ा चढ़ा के फ्रेंचाइजी के बारे में, इतना कुछ भी टफ नहीं होता, बहुत आसान होता है कि किसी भी कंपनी की जो भी आपको फ्रेंचाइजी प्रोवाइड कर रही है, आप गूगल पे सर्च मार लिए बहुत सारी कंपनी आपको मिल जाएंगी जो फ्रेंचाइजी देती है, आप उनसे कॉन्टेक्ट कीजिए। और अगर आप कहीं शहर में अपना मेडिकल या शॉप खोल के बैठते हैं या अपना ऑफिस बनाते हैं, तो खुद से बहुत सारी कंपनी के जो एरिया सेल्स मैनेजर होते हैं वो खुद आके आपसे कांटेक्ट करते हैं फ्रेंचाइजी देने के लिए, तो उस तरीके से भी आपको फ्रेंचाइजी मिल जाएगी। तो फ्रेंचाइजी लेके आप मंथली 50 से 1,00,000 रुपए कमा सकते हैं, सिंपल सा यही फंडा है फ्रेंचाइजी का। तो इसमें एक कंपनी लेंगे, दो लेंगे, तो जितनी भी कंपनी आपके पास, ज्यादा से ज्यादा कंपनी होंगी उतना ही ज्यादा मार्जिन होगा। और अगर एक दो कंपनी भी है, अच्छे प्रोडक्ट है उनके, तो आप उसमें भी अपना जो क्षेत्र है उसका विस्तार कीजिए और जितना भी टैलेंट दिखा सकते हैं सेल्स का वो दिखाइए और ज्यादा से ज्यादा मार्जिन कमाइए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इस पे मैं फार्मा और मोटिवेशनल वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। बिजनेस से रिलेटेड क्वारीज अगर कोई है आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।